अच्छी सोच के साथ किया गया बदलाव हमेशा अच्छा होता है और उसके नतीजे भी हमेशा अच्छे आते हैं। बीते समय में हमारे देश में कृषि भाइयों द्वारा बदलाव में सहमति होने के कारण ही आज हमारे देश में हरित क्रांति संभव हो पाई है, जिससे हमारे कृषक भाइयों की उन्नति तथा हमारे देश में खाद्य आपूर्ति हो पाई है। पर ये तो बात हुई हमारे बीते हुए कल की। अगर मैं बात करता हूँ आज 21वीं सदी की, जहाँ पर वैश्विक बाजार, ऑनलाइन मार्केट, आधुनिक तकनीक तथा उपभोक्ता संचालित बाजारों की बात हो रही है, उस जगह आज भी हमारा किसान भाइयों सालों से चली आ रही पद्धति और प्रथा में उलझे हुए हैं और संकोच कर रहे हैं। जहाँ पर दुनिया के अन्य विकसित देशों में कृषि खेती के साथ साथ उद्योग, ग्राहक और बाजारों से जुड़ पाए हैं, हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई अभी भी सिर्फ उन्हीं सीमित क्षेत्र के मंडी प्रांगण तथा सीमित व्यापारियों तक ही सीमित हैं। क्या ये हमारे देश की 21वीं सदी कृषि व्यवसाय के साथ साथ कदम मिलाकर चल पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि 21वीं सदी का समय बहुत ही तीव्र गति वाला है, जहां पे समय के साथ साथ बाजारों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और आपूर्ति श्रृंखला को न्यूनतम से न्यूनतम रखना पड़ेगा। इसी श्रृंखला में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो सराहनीय है। इन कदमों से हमारे देश का किसान भाई कृषि को एक व्यवसाय के रूप में कर पाएगा और इस देश की उन्नति के रास्ते खोल पाएगा। अब बात करते हैं हम किसी भाइयों के संकोच तथा घबराहट की। मुझे लगता है कि जहां व्यवसाय की बात आती है, वहां किसान भाइयों को लगता है कि मुनाफे के साथ साथ हानि भी होगी, पर ऐसा नहीं है। हमारी भारत सरकार द्वारा इस चीज का विशेष ध्यान दिया गया है कि किसानों को हानि नहीं हो, चाहे वो MSP हो, चाहे वो मंडी प्रांगण हो, चाहे किसानों की जमीन का मौलिक अधिकार हो। इस विषय में मुझे लगता है कि भारत सरकार द्वारा किसानों के हित का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय विश्वास बढ़ाने की जरूरत है तथा कृषक भाइयों को अपने संकोच खत्म करने की जरूरत है। हमारे कृषक भाई एक उपज के बीज की तरह हैं। उन्हें इस समय उस बीज को अपने खोल से बाहर आने की जरूरत है ताकि वो एक पेड़ का स्वरूप ले सकें और अच्छे से अच्छा फल पा सकें। मेरा इस पूरे विषय में यही सोच है और मैं इस बात को अंत करना चाहूँगा यह कहते हुए, जय जवान जय किसान। थैंक यू।